आओ सुनाओ एक अंडे का फंडा, उसने मार दी काइली जेनर का गंडा। तो यार स्वागत है आप सबका मेरे गाने से। आपको पता चल ही गया होगा आज हम किस पे बात करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिसको नहीं मालूम कि काइली जेनर कौन है, तो काइली जेनर 21 साल की वो बच्ची है जिसने खुद एक बच्ची को जन्म दिया इस काले सांड की मदद से। और आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या, इन दोनों ने उस बच्ची को बिना शादी के ही पैदा कर दिया। अब इन दोनों को देख के मेरा एक पड़ोसी बहुत इंस्पायर हो गया, तो उसने एक लड़की को बिना शादी के ही प्रेग्नेंट कर दिया। माँ कसम लड़की वालों ने घर में घुस के जो मारा ना मेरे पड़ोसी को, उसके बाद उसके माँ बाप को उस लड़की का हॉस्पिटल का बिल उठाना पड़ा, वो अलग बहनचोद। मैं अपने पड़ोसी की पिटाई को देख के एक बात तो समझ गया कि चाहे कंडोम चुरा के पहनो, चाहे रास्ते से उठा के पहनो, चाहे किसी और का पहना हुआ पहनो, लेकिन जब तक इंडिया में हो तब तक एक लड़की को बिना शादी के प्रेग्नेंट मत करो, नहीं तो उसके घर वाले तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी ही मां चोद देंगे बहनचोद। खैर अभी हम हमारे टॉपिक में वापिस आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एक अंडे और काइली जेनर का रिश्ता क्या है। तो काइली जेनर ने अपने बच्ची के साथ ये फोटो डाला था जो इंस्टाग्राम का सबसे लाइक्ड फोटो था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था, एक अंडे ने काइली जेनर के सबसे लाइक्ड फोटो को हरा दिया है। जी हाँ सही सुना आपने, अब इंस्टाग्राम में सबसे लाइक्ड फोटो एक अंडा है। अब वो तो अलग बात कि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये सोच रहे हो कि काइली जेनर पे क्या बीत रही होगी। नहीं आप ही सोचो, काइली जेनर ने इस काले सांड का काला सोना अपने अंदर लिया, फिर 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखा, फिर उसको जन्म दिया, फिर उसके साथ फोटो लिया, इतना कुछ होने के बाद उसको एक अंडे ने हरा दिया। मुझे पता नहीं काइली बेबी जी कैसे रही है, मैं तो सदमे में ही मर जाता अगर मुझे इतने बड़े दुनिया में एक अंडा हरा देता तो। खैर छोड़िए, तो जब से ये अंडा फेमस हुआ अलग अलग लोग इसका वीडियो बना रहे, कोई कोई इसके फोटो के साथ छेड़ खानी कर रहे, लेकिन सबसे यूनिक काम हमारे मो व्लॉग्स ने करके दिखाया है। तो मो व्लॉग्स ने हमारे झंडे का फोटो अंडे पे लगा और बोला कि इसको सबसे लाइक फोटो बना के दिखाओ इंस्टाग्राम पे। अब देखा जाए तो मो व्लॉग्स ने होशियारी का काम किया है, क्योंकि उसको मालूम है हमारे देशवासियों को घपा घप करना कितना पसंद है, इसलिए तो हमारी देश की आबादी 125 करोड़ से ज्यादा है। और उस 125 करोड़ की आबादी में से अगर 10-15% लोगों ने भी इसका फोटो लाइक कर दिया ना, बस हो जाएगा इसका काम। और वो सब होने के बाद जब इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, इसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और वो उनसे पैसे कमाएगा, आपको लगता है उससे 1 रुपए भी इंडिया के गरीब बच्चों को देगा? अरे घंटा देगा बहनचोद। लेकिन फिर भी हम उसके फोटो को लाइक करेंगे क्योंकि हमारा झंडा एक अंडे पे है। अरे मेरे जैसे गरीबों को भी तो आगे बढ़ो, एक अमीर को और कितना अमीर करोगे। खैर छोड़िए, शायद मेरे किस्मत में ही नहीं है। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। और हमारा एक पेज भी है फेसबुक में, उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो करो। चलो थैंक यू, बाय।